वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू द रेशम आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड वेल, टुडे इन दिस आर्टिकल गाइज वी हैव द डाउन साइड ऑफ इम्पीरियल कलैप्स। तो एक थ्योरेटिकल सा आर्टिकल है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग। तो बात हो रही है कि व्हेन एम्पायर्स और ग्रेट पावर्स फॉल, केओस एंड वॉर राइज। तो ये इसका एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कह लीजिए या फिर एक व्यू पॉइंट कह लीजिए जो निकल के आता है कि जब बड़े एम्पायर्स या फिर कोई भी ऐसी पावर्स मान लीजिए जब गिरती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो केओस और वॉर जो है वो जन्म लेता है इस चीज़ से। तो लेट्स सी गाइस क्या बात है। वॉर्स आर हिस्टोरिकल हिंजेस एंड मिस बिगॉटन वॉर्स व्हेन सर्विंग एज कल्मिनेशन पॉइंट्स ऑफ मोर जनरल नेशनल डिक्लाइन कैन बी फेटल। जब आपको वैसे तो कहते हैं कि वॉर ऑटोमेटिकली अपने आप में एक हिस्टोरिकल बेंचमार्क की तरह होता है, पर अगर आप मिस बिगॉटन वॉर्स की बात करें और जब वो एक ऐसे कल्मिनेशन पॉइंट्स की तरह बिहेव कर रहे हों जहाँ पे नेशनल डिक्लाइन बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड हो जाए आपका, तो वो तो फेटल हो सकता है पूरे के पूरे ओवरऑल इकोनमी के लिए या रीजन के लिए भी रादर हम कह सकते हैं। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर एम्पायर्स। द हैब्सबर्ग एम्पायर विच रूल्ड ओवर सेंट्रल यूरोप फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स माइट हैव लिंगर्ड डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ डेके वर इट नॉट फॉर इट्स डिफीट इन वर्ल्ड वॉर वन। तो फिर हो सकता है कि शायद वो आगे भी कई दशक और चल सकता अगर वर्ल्ड वॉर वन में हारता ना। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द ओटोमन एम्पायर which since the mid 19th century was referred to as the sick man of Europe। वो भी आपका अगर वर्ल्ड वॉर वन में ना हारते ओटोमन पावर्स तो हो सकता है कि आपका बहुत लंबे समय के लिए वो लिंगर ऑन करता। एंड एज इट हैपेंड द ओटोमन एम्पायर लाइक द हैब्सबर्ग वन माइट हैव स्ट्रगल्ड ऑन फॉर डेकेड्स एंड इवन रीफॉर्म्ड वर इट नॉट फॉर ऑल्सो बींग ऑन द लूजिंग साइड इन वर्ल्ड वॉर वन। जर्मनी की तरफ से थे, ट्रिपल अलायंस की तरफ से थे हैब्सबर्ग एम्पायर और ओटोमन एम्पायर दोनों के दोनों। तो बताना चाह रहे हैं कि मतलब लूजिंग साइड की तरफ ना होते तो डेफिनेटली लंबा स्ट्रेच करते। बट द आफ्टर शॉक्स ऑफ सच इम्पीरियल कॉम्यूपेंस शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड और सेलिब्रेटेड। एम्पायर्स फॉर्म आउट ऑफ केओस एंड इम्पीरियल कलैप्स ऑफ्टन लीव्स केओस इन इट्स वेक। बनते भी बहुत ज़्यादा एक डिसकंटेंट के माहौल से हैं और जब कहते हैं कलैप्स रहता है तो भी नो डाउट आपका पीछे बहुत ज़्यादा केओस और एक वॉर मॉन्गरिंग छोड़ते हैं। द मोर मोनो एथनिक स्टेट्स दैट अरोज फ्रॉम द एशेज ऑफ द मल्टी एथनिक हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स ऑफ्टन प्रूव्ड टू बी रेडिकल एंड अनस्टेबल। एंड दिस इज बिकॉज एथनिक एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स एंड देयर पर्टिकुलर ग्रीवियंसेज which had been assuaged under common imperial umbrellas were suddenly on their own and pitted against one another. So Nazism and fascism in general influenced murderous states and factions in the post-Habsburg and post-Ottoman Balkans as well as Arab intellectuals studying in Europe who brought these ideas back to their newly independent post-colonial homelands where they helped shape the disastrous ideology of Baathism। And no doubt इस Baathism से दुनिया ने क्या देखा है या फिर इन्होंने क्या किया है उस areas में, everybody knows that। Considering कि अगर आप इराक में dictatorial tendencies को देखो या सीरिया में उस हाल को देखो, या आज की रेट में कहूँ अगर मैं पूरे का पूरा जो एक मिडल ईस्ट है, तो नो डाउट एक ज़माने में दुनिया के सबसे बेहतरीन एम्पायर्स अगर देखो इस एरिया में फ्लरिश करते थे और आज जब वो एम्पायर्स नहीं हैं तो यू कैन सी द होल सो कॉल्ड एंड स्टेट की कैसा हाल है। सो विंस्टन चर्चिल स्पेक्यूलेटेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड दैट हैड द इम्पीरियल मोनार्कीज इन जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड एल्सवेयर नॉट बीन स्वेप्ट अवे एट द पीस टेबल इन वर्सले तो देयर वुड हैव बीन नो हिटलर। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मतलब अगर ये ख़त्म ना होते तो ऑब्वियसली कहते कि मतलब हिटलर होते ही ना अगर ऐसी चीज़ें हम होते तो। क्यों? वही है ना कि वॉर बने तब भी डिसकंटेंट था और जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बड़े एम्पायर्स आपके वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे ख़त्म हुए हैं, जैसे रशिया का रोमनोव डायनेस्टी ख़त्म हुई, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ख़त्म हुआ,
होलेंजरॉन डायनेस्टी ख़त्म हुई जर्मनी की और ओटोमन सिविलाइजेशन। तो इसका नतीजा आप देखिए कि मतलब दोनों वॉर्स के बीच का जो समय है, जिसे हम पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स भी बोलते हैं, एंड डेफिनेटली सारे डिसकंटेंट के कारण आपके उन्हीं 20 सालों में हैं वेयर हिटलर, नाजिज़म और फासिज़म दोनों आपके राइज पे गए। द 20th सेंचुरी वॉज लार्जली शेप्ड बाय द कलेप्स ऑफ डायनेस्टिक एम्पायर्स इन द अर्ली डेकेड्स एंड बाय कॉन्सिक्वेंट वॉर एंड जियो पोलिटिकल अपहीवल इन द लेटर डेकेड्स। So empire is much disparaged by intellectuals, yet imperial decline can bring on even greater problems. The Middle East, for example, has still not found an adequate solution to the collapse of the Ottoman Empire, as evidenced by its bloody vicissitudes over the past 100 years. तो आज भी कहते हैं उसके decline के बाद मतलब solutions को हम ढूंढ नहीं पाए हैं। 100 साल के करीबन हो गया है 1919 में जब से वो ख़त्म हुआ, पर आज आप देखिए कि इम्पीरियल डिक्लाइन जब होता है तो नो डाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स या फिर पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ वो आज भी एक्टिव हैं। ऑल दिस शुड बी कैप्ट इन माइंड व्हेन कंसिडरिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ चाइना, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे। सो दीज ग्रेट पावर्स मे बी इवन मोर फ्रेजाइल देन द सीम the anxious foresight required for avoiding policy catastrophes, that is the ability to think tragically in order to avoid tragedy, has either been insufficiently developed or nowhere in evidence in Beijing, Moscow and Washington. matlab mitigation ke koi efforts nahi hai is plan ko leke, that if in case something bad goes or if in any case matlab something goes other side, so what exactly are they going to do? So far, both Russia and the United States have initiated self-destructive wars, जैसे Russia in Ukraine and the United States in Afghanistan and Iraq. And as for China, its obsession with the conquest of Taiwan could lead to self-destruction, and all three great powers have in recent years and decades clearly demonstrated bouts of uncommonly bad judgment when it comes to their long-term survival. So were any or all of today's great powers to dramatically weaken, confusion and disorder would increase inside their borders and around the world. Around the world इसलिए क्योंकि उनका impact अगर ideologically या economically या sociologically जितना है, तो then that definitely is going to attack. A weakened or embattled United States would be less able to support its allies in Europe and Asia. And were the Kremlin's regime to wobble because of factors stemming from the Ukraine war, then Russia, which is institutionally weaker than China, could become a low-calorie version of the former Yugoslavia, unable to control its historic territories in the Caucasus, Siberia, and East Asia. And definitely, agar imperial decline hoga, to uske jo repercussions hain, jo consequences hain, wo aapke spread karenge. Economic or political turmoil in China could unleash regional unrest within the country and also embolden India and North Korea, whose policies are inherently constrained by Beijing. So no doubt ye is baat ka ek proven point hai ki agar imperial governments decline karti hain bade ya empires agar aapke collapse karte hain to war jo hai या केओस जो है वो रिजल्ट करता है। सो टुडेज ग्रेट पावर्स आर नॉट एम्पायर्स बट रशिया एंड चाइना बियर द ट्रेसिस ऑफ देयर इम्पीरियल हेरिटेज, सिविलाइजेशनल हेरिटेज अपने लेके आते हैं और अपने उसी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल हेरिटेज को बनाने के लिए ही रिविजनिस्ट क्लेम्स भी करते हैं। द क्रेमलिन्स वॉर इन यूक्रेन इज रूटेड इन इम्पल्सिस दैट एग्जिस्टेड इन बोथ द रशियन एंड द सोवियत एम्पायर्स, and China's aggressive intentions towards Taiwan echo the Qing's dynasty's quest for hegemony in Asia. United States has never formally identified as an empire, but westward expansion in North America and occasional overseas territorial conquest gave the United States an imperial flavor in the 19th century, and in the post-war era it has enjoyed a level of global dominance previously known only to empires. तो चाइना और रशिया का तो चलो फिर भी डायरेक्ट मतलब
लिंक है ही आपका एम्पायर्स के केसेस में, पर अगर आप अमेरिका का देखोगे तो ठीक है, एम्पायर जैसी कोई बात नहीं, पर उनका इम्पीरियल कंट्रोल इस कदर का है, गवर्नमेंटल कंट्रोल इस कदर का है कि सुपर पावर होते हुए भी एक एम्पायर का फ्लेवर जो है वो आता है. एंड टुडे ऑल थ्री ऑफ दीज ग्रेट पावर्स फेस अनसर्टेन फ्यूचर्स इन विच कलैप्स और सम डिग्री ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट. द स्वीट ऑफ प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट फॉर ईच, बट द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग ईच कंट्री आर फंडामेंटल टू दैट पावर्स वेरी एग्जिस्टेंस. ये है हमारे लिए मेन चीज़ कि नो डाउट अलग अलग वेरिंग प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं सबके लिए, सबकी रेड लाइन्स अलग हैं, वल्नरेबिलिटीज़ अलग हैं, पर जो चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं हर मुल्क के लिए ये बात यूनिक है. जैसे कि रशिया फेसेस द मोस्ट इमीडिएट रिस्क, इवन इफ इट सम हाउ प्रिवेल्स इन द वॉर इन यूक्रेन, रशिया विल हैव टू कन्फ्रंट द इकोनॉमिक डिजास्टर ऑफ बींग डीकपल्ड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड द G7 इकोनॉमीज अनलेस देर इज अ जेन्युइन पीस एंड विच नाउ अपीयर्स अनलाइकली. सो रशिया मे ऑलरेडी बी द सिक मैन ऑफ यूरेशिया नाउ as the Ottoman Empire was of Europe at one point of time. And as for China, its annual economic growth has been slowing from double digits down to single digits and it may soon reach low single digits. Capital has fled the country, bahut zyada economies ya bahut zyada companies bahar ja rahi hain, with foreign investors selling many billions of dollars in Chinese bonds and billions more in Chinese stocks. And at the same time that China's economy has matured and investment from abroad has diminished, its population has aged and its workforce has shrunk. तो एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके रोल प्ले कर रहे हैं. जैसे इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है क्योंकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर का टैग जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. दूसरी तरफ अगर आप देखो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है. एंड ऑल दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर फ्यूचर इंटरनल स्टेबिलिटी. Kevin Rudd, the president of the Asia Society and former Australian Prime Minister, has noted that Chinese President Xi Jinping, through his statist and strict communist policies, has begun strangling the goose that for 35 years has led the golden egg. Par aaj wo matlab jis kadar China ko situation mein dal rahe hain wo ek bahut पॉजिटिव तो नहीं है. कल भी हमने देखा जैसे कि उनका खुद का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो एक डोमेस्टिक पहले उन्होंने लॉन्च किया और अब ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो इसके रिपरकशंस आपके कोई बहुत कंड्यूसिव होने वाले हैं उन इकोनॉमीज़ के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो दीज स्टार्क इकोनॉमिक रियलिटीज़ बाय अंडरमाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द एवरेज चाइनीज सिटीजन कैन थ्रेटन द सोशल पीस and implicit support for the communist system. Authoritarian regimes, while they present the aura of serenity, may always be rotting from within, directly or indirectly. आपको पता चले या ना पता चले, that's separate issue. पर वैसे जो एक degeneration है या फिर जो एक disintegration है, that constantly keeps on going. So United States is a democracy, so its problems are more transparent. But that does not necessarily make them less acute. The fact is that as the federal deficit climbs upward toward insupportable levels, the very process of globalization has split Americans into warring halves. Those swept up into the values of a new worldwide cosmopolitan civilization and those rejecting it for the sake of a more traditional and religious nationalism, जो प्रोटेक्शनिज्म की बातें करते हैं या फिर जो आइसोलेशन की बातें करते हैं. हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी व्हाइल द अदर हाफ इज एंकर्ड टू इट. ओशियंस आर इंक्रीजिंगली लेस ऑफ अ फैक्टर इन वॉलिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दीज डेज, विच फॉर ओवर 200 ईयर्स हेल्प्ड प्रोवाइड फॉर द कंट्रीज कम्यूनल कोहेजन. द यूनाइटेड स्टेट्स was a well-functioning mass democracy in the print and typewriter age but is much less of a success in the digital era whose innovations fed the populist rage that led to the rise of Donald Trump and the greater levels of racism. So owing to these shifts jo in teenon hi badi powers mein aa rahi hain, a new global power configuration is likely taking shape. Jaise ki in one scenario
Russia declines precipitously because of its misbegotten war. China finds it too difficult to achieve sustained economic and technological power under a CCP that increasingly reverts to orthodox Leninism, and the United States overcomes its domestic turmoil and eventually re-emerges as it did immediately after the Cold War as a unipolar power. So another possibility is a truly bipolar world in which China maintains its economic dynamism even as it becomes more authoritarian. And a third possibility ye bhi ho sakti hai, is the gradual decline of all the three powers, leading to a greater degree of anarchy in the international system, with middle level powers, khas karke Middle East or South Asia mein, even less restrained than they already are, and European states unable to agree on much in the absence of strong American leadership, even as the continent is threatened by a chaotic post-Putin Russia on its frontier. देखो गाइज, अगर आप तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ को देखते हो तो हम किसी को भी देख के ये नहीं कह सकते कि इस पॉसिबिलिटी का रेलेवेंस नहीं है. क्या हम ये नहीं बोल सकते कि चाइना का इकोनॉमिक डायनामिज्म मेंटेन रहेगा एंड चाइना सीम्स टू बी मोर अथॉरिटेरियनिस्टिक? डेफिनेटली पॉसिबल है. या फिर हम ये नहीं कह सकते क्या कि मतलब तीनों ही डिक्लाइन पे हों एंड देन डेफिनेटली एक एनार्की का माहौल बने? ये भी पॉसिबिलिटी है. And that explains the level of the vulnerability. जब हमें पता है कि मतलब इम्पीरियल एम्पायर्स अगर किसी भी वे में अगर फॉल करते हैं तो वही जो आर्टिकल का मेन टाइटल केओस जो है और जो क्राइसिस है वही रिजल्ट करता है. सो विच सिनेरियो इमर्जेस विल डिपेंड टू अ ग्रेट डील ऑन द आउटकम ऑफ मिलिट्री कॉन्टेस्ट. द वर्ल्ड इज विटनेसिंग वट अ मेजर लैंड वॉर इन ईस्टर्न यूरोप इज डूइंग टू रशियाज प्रॉस्पेक्ट्स एंड रेपुटेशन एज अ ग्रेट पावर. डिक्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि स्ट्रेंथन के. यूक्रेन हैज़ एक्सपोज्ड रशियाज वॉर मशीन एज डिस्टिंक्टली बिलोंगिंग टू द डिवेलपिंग वर्ल्ड, प्रोन टू इनडिसिप्लिन, डिजर्शंस एंड पुअर टू नॉन एग्जिस्टेंट लॉजिस्टिक्स विद एन एक्सीडिंगली वीक कॉर्प्स ऑफ नॉन कमीशनड ऑफिसर्स. तो वो जो एक रशियन मिलिट्री माइट की जो एक वो बात थी या फिर जो एक दुनिया में आइडिया था वो डेफिनेटली आपका बहुत ब्लैटेंटली ख़त्म हो गया. एंड लाइक द वॉर इन यूक्रेन, अ सोफिस्टिकेटेड नेवल, साइबर एंड मिसाइल कॉन्फ्लिक्ट इन ताइवान और इन द साउथ चाइना सी और द ईस्ट चाइना सी वुड बी ईजियर टू स्टार्ट दैन टू एंड. फॉर एग्जाम्पल, वट वुड बी द स्ट्रेटेजिक एम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वंस सच मिलिट्री हॉस्टिलिटी स्टार्टेड इन अर्नेस्ट? The end of CCP rule in China, or what America would be seeking in that case, we have no idea. And if so, how would Washington respond to the resulting chaos? United States has barely begun to think through these questions. War, as Washington learned in Afghanistan and Iraq, is a Pandora's box. Aur America se zyada guys kisko pata hai ki war jo hai, agar wo khas karke necessity ki bajaye sirf ek by choice hoti hai, so then that definitely is going to put down all the hopes on them. So no great power lasts forever, but perhaps the most impressive example of endurance is the Byzantine Empire, which lasted from 330 AD to the conquest of Constantinople during the Fourth Crusade in 1204, only to recover and survive until a final Ottoman victory in 1453. लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 साल का कंट्रोल उनका रहा. एंड दिस इज डबली इम्प्रेसिव व्हेन वन कंसीडर्स दैट कि बाइजेंटियम हैड अ मोर डिफिकल्ट ज्योग्राफी एंड स्ट्रॉन्गर एनिमीज एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर वल्नरेबिलिटीज दैन रोम डिड इन द वेस्ट. उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत कम समय के लिए फ्लरिश किया इन कंपेरेटिव टू द बाइजेंटाइन एम्पायर. Well, the historian Edward Luttwak has argued that Byzantium relied less on military strength and more on all forms of persuasion to recruit allies, dissuade enemies, and induce potential enemies to attack one another, rather than ki sirf unhone military strength ke upar kaam nahi kiya. And moreover, when they did fight, the Luttwak note karte hain ki Byzantines were less inclined to destroy enemies than to contain them, both to conserve their strength and because they knew that today's enemy could be tomorrow's ally. तो उनकी इसी possibilities की वजह से ये दिखाते हैं कि Byzantine का जो एक
टर्म है जो एक उनका पावर में रहना है, दैट इज फॉर नॉट वन और टू ईयर्स बेसिकली, बट फॉर 1,000 ईयर्स. तो इन अदर वर्ड्स अगर कहें, इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अवॉइडिंग मेजर वॉर वेन एवर पॉसिबल, बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ नॉट बींग ओवर्टली आइडियोलॉजिकल सो एज टू बी एबल टू कंसिडर कि टूडेज एनिमी टूमोरोज फ्रेंड इवन इफ इट हैज़ अ पोलिटिकल सिस्टम डिफरेंट फ्राम वंस ऑन. And that has not been easy for the United States to do, given that it sees itself as a missionary power committed to spreading democracy. तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अमेरिका नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पाता. हालांकि वो चाहते हैं, वो इस प्रिंसिपल को समझते हैं, पर स्टिल दे कैन नॉट डू सो. तो बाइजेंटीन्स ने भी ऐसा ही कुछ किया था. द बाइजेंटीन्स रोट एन अमोरल फ्लेक्सिबिलिटी इन टू देयर सिस्टम despite its putative religiosity, a realistic approach that has become more difficult to accomplish in the United States, partly owing to the power of a sanctimonious media today establishment. और कुछ हद तक मैं ये भी कहूँगा कि majority of the civilians आपके इस कदर हो गए हैं कि वो उस accommodative nature को होने नहीं दे रहे, या यूँ कह लीजिए tolerance का level कम हो गया. तो अगर बात भी होती है ना उसको एकोमोडेट करने की, वो तो भी उस बात को काउंटर करते हैं. सो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द अमेरिकन मीडिया इंसेसेंटली कॉल ऑन वॉशिंगटन टू प्रमोट एंड समटाइम्स इवन एनफोर्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड, इवन व्हेन डूइंग सो हार्म्स यूनाइटेड स्टेट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. पर एक बैगेज की तरह उन्होंने अपने ऊपर ये बांध रखा है कि वेर एवर दे आर गोइंग टू talk about alliances, they have to kind of talk about human rights or whatever that is. So in addition to the media, there is the foreign policy establishment itself, which as the 2011 US military intervention in Libya pointedly demonstrated, did not fully learn the lessons of the collapse of Iraq and what was even back then the ongoing intractability of Afghanistan. पर इवन देन उन्होंने, आप देखिए कि अफगानिस्तान में चल रहे अपने 10 साल के लेसन्स को नहीं सीखा, एंड 2011 में वो अपने उसी ऑपरेशन के साथ कैरी फॉरवर्ड किए विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट विल बी द रिपरकशंस. पर उन्होंने लिखा भी है, देखिए, फिर भी द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन्स रिलेटिवली मेजर्ड रिस्पॉन्स इन यूक्रेन inserting no US troops and informally advising the Ukrainians not to expand their war into Russian territory may mark a turning point. Aur shayad hame lagta hai that America is turning more mature and shayad unko ye baat samajh mein aa rahi hai ki wherever the war should be avoided, that should be avoided. So indeed, the less missionary the United States is in its approach, the more likely it is to avoid disastrous wars, khas karke wo bhi of choice. So of course the United States does not have to go quite as far as authoritarian China, which delivers no moral lectures to other governments and societies, gladly dealing with regimes whose values differ from Beijing's. When doing so gives China an economic and geopolitical advantage. तो ऐसा खैर अमेरिका कर भी नहीं रहा. नॉट लाइक कि मतलब हम दुनिया को बिल्कुल भी बताना बंद हो गए हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए या ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वी आर नॉट डूइंग इट, बट दे आर जस्ट ऑफ द ओपिनियन दैट रादर देन ओनली एंड ओनली डीलिंग इन सच प्रेशर्स, आपको पूरी तरह से ये भी नहीं करना. सो अ मोर रिस्ट्रेंड US फॉरन पॉलिसी माइट बी द रेसिपी फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ अमेरिकन पावर, अगर आपने इम्पीरियल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद के रिपरकशंस को प्रिवेंट करना है तो. Offshore balancing would at first glance serve as Washington's guiding strategy. Instead of policing the world, the United States would encourage other countries to take the lead in checking rising powers, intervening itself only when necessary, as the political scientist John Mearsheimer and Stephen Wald put it in Foreign Affairs in 2016. Well, the problem with that approach, however, is that the world is so fluid and interconnected, with crisis in one part of the globe migrating to other parts, that restraint may simply not be practical for American forces to do. Par iska matlab ye bhi nahi hai ki matlab they should not try. Halanki likha unhone, offshore balancing might be simply too restrictive and mechanical but not practical.
और अगर हम आइसोलेशनिज्म की बात करते हैं जो अमेरिका में ट्रंप के राज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, अगर वो एक ऐसी एज में आएगा तो लिखा क्या उन्होंने कि आइसोलेशनिज्म थ्राइव्ड इन एन एज व्हेन शिप्स वर द ओनली वे टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड टुक डेज टू डू सो. सो प्रेजेंटली एन अवॉइड पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट माइट ओनली टेलीग्राफ वीकनेस एंड अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड एंड दैट वुड फर्दर बी डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन सुपेरियोरिटी एंड अमेरिकन वर्ल्ड पावर. Well, alas, the United States is destined to be embroiled in foreign crises, some of which will have a military component, जैसे कि अब Ukraine में हो रहा है, and that is the very nature of this increasingly populous and interlocked claustrophobic world. Well, again, the key concept is to always think tragically, and that is to contemplate worst-case scenarios for every crisis, while still not allowing oneself to be immobilized into general inaction. रेडी करके रखो, पता करके रखो कि ठीक है चलो अगर हमें एंगेज करना पड़ेगा दुनिया के हर क्राइसिस में बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको करना कुछ नहीं. सो इट इज़ मोर एन आर्ट एंड अ ब्रिलियंट इंट्यूशन देन अ साइंस एंड येट दैट इज़ हाउ ग्रेट पावर्स हैव ऑलवेज सर्वाइव्ड. अगर डेफिनेटली ग्रेट पावर्स हर वॉर में या हर आपके एक सो कॉल्ड क्राइसिस में इंडल्ज करेंगे, वो भी मटीरियली, इमोशनली तो चलो कल ही रहें, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एंड द वॉर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ओवर. सो एम्पायर्स कैन एंड एब्रप्टली एंड व्हेन दे डू केओस एंड इंस्टेबिलिटी एंस्यूज. सो इट्स प्रोबेबली टू लेट फॉर रशिया टू अवॉइड दिस फेट. चाइना माइट पुल इट ऑफ बट इट विल बी डिफिकल्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल द बेस्ट पोजिशन ऑफ द थ्री, बट द लॉन्गर इट वेट्स टू अडॉप्ट अ मोर ट्रेजिक एंड रियलिस्टिक शिफ्ट इन इट्स अप्रोच, the worse the odds will get. A grand strategy of limits is crucial. Restraint ki foreign policy aapko apnani hogi. And let's hope ki it begins now with the Biden administration's war policy on Ukraine. Jaisa ki Biden ne karke bhi dikhaya hai. Supporting Ukraine, no doubt, actively. But saamne se support nahi kar rahe bahut zyada. Back channel support hai. Aur ye sirf isi way ke liye hai basically. Kyun? जैसे आर्टिकल के टाइटल में भी लिखा है, इम्पीरियल कलैप्स के डाउनसाइड को वो लोग ना सिर्फ समझते हैं बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसिस एंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इफ दे इंटेंड टू डिप्लॉय देमसेल्व्स अलॉन्ग विद द वॉर दैट इज बीइंग पैट्रोनाइज्ड एंड दैट इज बीइंग कंडक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड डोमेन. तो ये हमारे पास एक आर्टिकल है, बहुत ही थ्योरेटिकल सा आर्टिकल, बहुत सारे ओपिनियंस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि दुनिया के तीन बेहतरीन बड़ी पावर्स आज की डेट में कैसे खुद को एक इंटरकनेक्टेड जियो स्ट्रेटजिक वर्ल्ड का पार्ट बताते हैं और कैसे रशिया और चाइना के लिए दोनों के लिए सिचुएशन या फिर पॉइंट्स आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, बट अमेरिका के पास फिर भी अभी एक ऑप्शन है अगर वो इसको प्रिवेंट करना चाहता है तो, डाउनसाइड्स ऑफ द इम्पीरियल कलैप्स को प्रिवेंट करना चाहता है तो. Otherwise, the message is very loud and very bold and clear that what is going to come is of no comparable understanding. So that's the article we have, guys. Aur baki kal hum fir se milenge, guys, ek bar ek naye article mein. So thank you so much for watching, guys. Take care. We'll see you.